ग्रेनेड जाएगा द मैन विद द गोल्डन हैंड फॉर अ रीजन। आदित्य को वहां पर डाउन पी ग्रेनेड उनके साइड से भी किया जाएगा। एक और जो ओपनिंग नॉक है वो निकालेगी ओपन में रहना खतरे से खाली नहीं होगा। संयम नॉक करेंगे 420 ओपी को और अभी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है। टीम ऑन द बैक फुट, टीम एक्स पार्क ऑन द बैक फुट, 420 ओपी यहां पे खत्म होते नजर आएंगे। अर्जुन स्मोक तो उन्होंने करा पर थोड़ी सी देरी से दूर वहां पे होगी। स्काउट भी अपलोड हो जाएंगे। ये एरिया है सर्वाइवेबिलिटी का, कितनी देर तक आप सर्वाइव करेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। बट दैट स्प्रे बाय मवी वाज इनसेन। संयम को यहां पर नॉक करा जाता है। अर्जुन ने भी कुछ हद तक वहां पर योगदान अपना जरूर दिया उस स्प्रे के अंदर। बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे उनके कंधों पर। मीन वाइल टीम एक्सपार्क के जो अल्ट्रॉन है उनको भी वहाँ पर जो बचे थे को हील करने में कामयाबी हासिल करेंगे। एनजी के जो प्लेयर हैं कुछ प्लेयर जोन के अंदर कुछ प्लेयर आपको जोन के बाहर देखने को मिले। स्काउट ओपी वो जो ऑक उन्होंने उठाई थी उस चीज का कमाल दिखाएंगे। दो प्लेयर को यहाँ पे डाउन किया गया। नेक्स्ट रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। उनका जो हेड है वहाँ पे दिखाई जरूर दिया। देखना ये है कि टीम एक्सपार्क क्या चार्ज करने को तैयार है। जी हां, स्काउट एंड अल्ट्रॉन सबसे आगे, मावी उनके पीछे आपको देखने को मिलने वाले। बहुत ज्यादा वो दूर ग्रेनेड चलाएगा बट स्काउट ने वहाँ पे आदि को जरूर डाउन किया। बट स्काउट बहुत ज्यादा ओपन में आपको देखने को मिलने वाले। सेम क्या उन्होंने देखा? जी नहीं देखा। बट सामने अल्ट्रॉन मौजूद रहेंगे, डाउन किए गए पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए। मावी वहाँ पे सर्वाइव करते हुए डाउन जरूर किया जाएगा। जो फिनिश है वो सिक्योर किया जाएगा। बट अभी के लिए टीम इनसेन एक बढ़िया फाइट थी जरूर थी, लेकिन अब एक बढ़िया स्टैमिन जैदी और आदि दो प्लेयर बचे और सामने अब उनका मुकाबला यहाँ पे टीम ग्लेशियर के साथ बिल्कुल डिफेंडिंग चैंपियंस यहाँ पर आ जरूर यहाँ पे एक 1v2 निकाल के दस टेक्लोज से काफी प्लेयर को काफी होते दूर है। निकलना पड़ेगा। मावी बहुत ज्यादा ओपन में पकड़े गए और इसी के साथ उनको डाउन किया गया। टीम एक्सपर्क मुश्किल काफी ज्यादा क्योंकि अब वो सर्कल के बहुत ज्यादा बाहर और इसी के साथ मार्कस गेमी के हाथों ही वो पकड़े जाएंगे। युवा एचपी उनकी डाउन है, अपने आप को हील करेंगे। स्काउट खत्म, जो आखिरी प्लेयर थे अल्ट्रॉन उनको भी खत्म किया गया स्कारलेट गमला बॉय के द्वारा। देखना पड़ेगा कितनी ज्यादा देर तक, शायद ज्यादा देर तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट टीम वाइज टीम का जो एलिमिनेशन है पीछे से जो जोन का प्रेशर है वो भी आएगा। सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल और टीम ओआर की बात करें वो अभी भी वेट कर रहे हैं। वो एक जो फिनिश है वो भी काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है। स्काउट की बात करें हील करने के लिए जाएंगे अपने आपको। टीम इनसेन की जो संयम और मैक है वो भी अभी यहाँ पर सर्कल के अंदर अपनी एंट्री लेने निकल जाएंगे। बट स्काउट जो आउटसाइड प्ले जोन उनका एलिमिनेशन है वो हमें देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पे एक खिलाड़ी अभी भी मौजूद रहेगा। अल्ट्रॉन भी खत्म हो गए। देखते देखते टीम एक्सपर्क उनका भी एलिमिनेशन और साथ में स्कारलाइट उनका भी हमें एलिमिनेशन है। जा सकते हैं सारी जो जिम्मेदारियां है वो उनके कंधों पर। बट मार्कोस गेमिंग काफी अच्छे तरीके से वो जो गेट कीपिंग सिनेरियो में देखने को मिलता हूँ। बट इनसेन उनकी साइड से वो ग्रेनेड आएगा। एक्सपर्क आर डन फॉर द डे एंड आई थिंक इन दिस टूर्नामेंट एज वेल। बिल्कुल बढ़िया।